भारत के स्पिरिचुअल गुरु ओशो ने कहा था कि ब्रह्मचर्य सेक्सुअलिटी का विरोध नहीं है, बल्कि इसका ट्रांसफॉर्मेशन है। कठिन प्रैक्टिस न करने पर भी जो लोग वीर्य को अखंड रख लेते हैं, यानी सीमेन को अपने अंदर बचाए रखते हैं, वे अपने अंदर शक्ति का अटूट भंडार अनुभव करते हैं और जीवन में कुछ भी बड़ा काम कर सकने की क्षमता रखते हैं, यानी कि जीवन में कुछ अच्छा और बड़ा करने की चाह रखते हैं। इसीलिए दोस्तों, आपको अपनी इस ताकत को बचा कर रखना होगा। अगर पवित्र विचारों के जरिए सेक्सुअल एनर्जी को ओजस या आध्यात्मिक ऊर्जा में बदल लिया जाए तो इसे सेक्स सब्लिमेशन कहा जाता है। यह किसी तरह का दबाव नहीं बल्कि एक सकारात्मक और परिवर्तन की प्रगति है। यौन ऊर्जा पर अपना कंट्रोल करके इसे अक्यूमुलेटेड करके दूसरी तरफ मोड़ देना है, फिर धीरे धीरे आप इसे ओजस शक्ति में भी तब्दील कर लेंगे। जैसे ऊष्मा प्रकाश को विद्युत यानी इलेक्ट्रिसिटी में परिवर्तित कर ली जाती है, वैसे ही भौतिक ऊर्जा को आध्यात्मिक ऊर्जा में बदला जा सकता है। केमिकल पदार्थों में होने वाले परिवर्तनों की तरह सेक्सुअल पावर को साधना के जरिए आध्यात्मिक ऊर्जा में कन्वर्ट किया जा सकता है। इस प्रक्रिया से गुजरते हुए आत्मा के स्तर को ऊपर उठाना, शुद्ध विचारों की तरफ बढ़कर यौन ऊर्जा को ओजस शक्ति में परिवर्तित होकर दिमाग में अक्यूमुलेटेड होती जाती है। इस ऊर्जा को आप बड़े से बड़े कामों में लगा सकते हैं। अगर आपको बहुत क्रोध आता है या आपके पास शारीरिक बल ज्यादा है तो उसे भी ओजस शक्ति में ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है। जिसके दिमाग में ओजस शक्ति संचित हुई रहती है, उसकी मानसिक ताकत बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। वह बहुत ही बुद्धिमान हो जाता है, उसके चेहरे के पास एक दैवीय तेज झलकने लगता है, वह कुछ शब्द बोलकर ही दूसरों पर अपना छाप छोड़ सकता है, उसका व्यक्तित्व फिर सामान्य नहीं रह जाता है, वह इंसान असाधारण हो जाता है। शंकराचार्य, ईसा मसीह आदि महापुरुष जीवन भर ब्रह्मचारी रहे। ऊंचे उठे हुए बुद्धिजीवी लोग अधिकतर संयमी जीवन ही बिताने की प्रयास किया करते हैं। वैज्ञानिक, दार्शनिक, विचारक, सुधारक ऐसी ही उच्च चेतना वाले लोग संयम का ही जीवन जीते हैं। संयम से तात्पर्य मात्र शारीरिक ही नहीं, मानसिक व आध्यात्मिक ब्रह्मचर्य से भी है। यह एक सत्य बात है कि भोगों की अधिकता मनुष्य की शारीरिक, मानसिक और आत्मिक तीनों प्रकार की शक्तियों का नाश कर देती है। यह रोग प्यूबर्टी में ही अधिक लगता है। उठती आयु में शारीरिक शक्ति ज्यादा होती है, इसके साथ ही कुछ ना कुछ जीवन तत्व का नव निर्माण भी होता रहता है। इसलिए उसका बुरा असर शीघ्र नहीं दिखाई पड़ता, लेकिन युवावस्था के ढलते ही इसके बुरे परिणाम सामने आने लगते हैं। युवा कई तरह की कमजोरियों के शिकार बन जाते हैं, थोड़ी उम्र और ढलने पर सहारा खोजने लगते हैं, उनकी सारी सेंसेस शिथिल यानी ढीले हो जाते हैं और उनका जीवन एक भार सा बन जाता है। शरीर का इंग्रेडिएंट वीर्य, जो कि मनुष्य की शक्ति और जिसे वास्तविक जीवन कहा गया है, उसका वेस्टेज होता चला जाता है, जिससे उनका सारा शरीर एकदम खोखला हो जाता है। तमाम सिद्ध हस्तों ने इसी वीर्य की ताकत का अक्यूमुलेशन कर बड़े बड़े चमत्कार किए हैं। इसमें हैरानी की कोई बात नहीं है कि हमारी अधिकतर ऊर्जा यौन ऊर्जा में अक्यूमुलेटेड होती है। दृढ़ इच्छा शक्ति के जरिए हम अपनी यौन ऊर्जा को अद्भुत क्रिएटिविटी में तब्दील कर सकते हैं। इस प्रक्रिया को अपने जीवन में उतारने वाले कई विश्व प्रसिद्ध हस्तियों के उदाहरण हैं, जैसे निकोला टेस्ला, महात्मा गांधी, रिचर्ड वेंगर, दांते, होमर, हेनरी थोरू और लियोनार्डो द विंसी। फॉरेन प्रीचर्स ने भी इसकी कम प्रशंसा नहीं की है। प्रसिद्ध प्राणी विज्ञानी डॉक्टर बोनहार्ड ने अपनी पुस्तक सेलिबेसी एंड रिहेबिलिटेशन में लिखा, ब्रह्मचारी यह नहीं जानता कि अस्वस्थ दिन कैसा होता है। उसकी पाचन शक्ति सदा नियंत्रित रहती है और उसको वृद्धावस्था में भी बाल्यावस्था जैसा आनंद आता है। अमेरिकी के प्राकृतिक चिकित्सक डॉक्टर बेनेडिक्ट लुस्टा ने अपनी पुस्तक नेचुरल लाइफ में कहा है कि जितने अंशों तक जो मनुष्य ब्रह्मचर्य की विशेष रूप से रक्षा और प्राकृतिक जीवन का पालन करता है, उतने अंशों तक वह स्पेशल इम्पोर्टेंस कार्य कर सकता है। स्वामी रामतीर्थ कहा करते थे कि जैसे दीपक का तेल बत्ती के ऊपर चढ़कर प्रकाश के रूप में परिणत होता है, वैसे ही ब्रह्मचारी के अंदर का वीर्य तत्व सुषुम्ना नाड़ी द्वारा प्राण बनकर ऊपर चढ़ता हुआ ज्ञान दीप्ति में परिवर्तित हो जाता है। रेतस का जो तत्व रति यानी काम, यौन संबंध बनाने के समय काम में लगता है,
जितेंद्रिय होने पर वही तत्व प्राण, मन और शरीर की शक्तियों को पोषण देने वाले एक दूसरे तत्व में बदल जाता है। भ्रूण काल के निर्माण के बाद शिशु जब विकसित होना प्रारंभ करता है तो ओजस उसके मस्तिष्क में ही अक्यूमुलेटेड होता है। यही कारण है कि गर्भ में संतान का सिर नीचे की ओर होता है। जन्म के समय 10 रक्ति वीर्य बालक के ललाट यानी उनके फ्रंटल भाग में होता है। शास्त्रों के अनुसार 9 से 12 वर्ष तक वीर्य शक्ति आइब्रोज से उतरकर कंठ में आ जाती है। इसी समय बच्चे के स्वर में सुरीलापन आता है। इससे ठीक पूर्व दोनों की आवाज एक जैसी होती है। 12 से 16 वर्ष तक की आयु में वीर्य मेरुदंड से उपस्थ की ओर बढ़ता है और धीरे धीरे मूलाधार चक्र में अपना स्थायी स्थान बना लेता है। काम विकार पहले मन में आता है और उसके बाद तुरंत ही मूलाधार चक्र उत्तेजित हो उठता है और उसके उत्तेजित होने से वह सारा ही क्षेत्र जिसमें की कामेंद्रिय भी सम्मिलित होती है वह भी उत्तेजित हो उठती है। ऐसी स्थिति में ब्रह्मचर्य की संभावना कठिन हो जाती है। 24 वर्ष तक की आयु में यह शक्ति मूलाधार चक्र में से समस्त शरीर में किस प्रकार व्याप्त हो जाती है इसका उल्लेख करते हुए शास्त्रकार कहते हैं कि जिस प्रकार दूध में घी, तिल में तेल, गन्ने में मीठापन तथा काष्ठ में अग्नि तत्व सर्वत्र विद्यमान रहता है उसी प्रकार वीर्य सारी काया में व्याप्त रहता है। यदि 25 वर्ष की आयु तक आहार विहार को दूषित नहीं होने दिया जाए और ब्रह्मचर्य पूर्वक रहा जाए तो इस आयु में शक्ति की मस्ती और विचारों की उत्फुल्लता देखने लायक बनती है। ऐसे बच्चे जीवन भर स्वस्थ रहते हैं एवं इस प्रकार रितस का रचना पचना हर क्षेत्र में उत्साह और सफलता के रूप में सामने आता है। ऊर्ध्वरेता बनना अर्थात जीवन के ओज को अपने ओरिजिन स्थल ललाट में लाना जहाँ से वह मूलाधार तक आया यह योग विद्या का काम है। कुंडलिनी साधना में विभिन्न प्राणायाम साधनाओं द्वारा सूर्य चक्र की ऊष्मा को प्रज्वलित कर इसी वीर्य को पकाया जाता है और उसे सूक्ष्म शक्ति का रूप दिया जाता है। तब फिर उसकी प्रवृत्ति ऊर्ध्वगामी होकर मेरुदंड से ऊपर चढ़ने लगती है। साधक उसे अन्य चक्रों में ले जाता हुआ फिर से ललाट में पहुँचाता है। शक्ति बीज का मस्तिष्क में पहुंच जाना और सहस्रार चक्र की अनुभूति कर लेना ही ब्रह्मा निर्वाण है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।